इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बेसिक चीज हमारे पास आता है कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारे पास फोर्थ ग्रुप एलिमेंट है, मींस टेट्रावेलेंट होता है। वैलेंस शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन होंगे और वो चारों इलेक्ट्रॉन कोवरेंट बॉन्ड बनाते हैं साथ नेबर वाले से। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी होल फ्री नहीं होता। हम कहते हैं ये इंसुलेटर है। किस टेम्परेचर पे? जीरो केल्विन पे। और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। अब सेमीकंडक्टर में अगर हम टाइप्स की बात करें तो सेमीकंडक्टर अगर हमारा प्योर होगा तो प्योर सेमीकंडक्टर को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर सेमीकंडक्टर के अंदर इंप्योरिटी होगी उसे क्या कहा जाएगा? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर, और प्योर का मतलब होता है कि किसी भी तरह की डॉपिंग नहीं है। लेकिन एक्सट्रिंसिक हमारे पास अगर इम्प्योर है इसका मतलब यहां पर डॉपिंग प्रेजेंट है। अब डॉपिंग जो है उसका एक लेवल होता है, उसको बोलते हैं डॉपिंग लेवल, कि मींस कितनी इम्प्योरिटी ऐड करनी है। और डॉपिंग लेवल हमारे पास होता है 1:10^6, मींस 10^6 अगर सिलिकॉन होंगे तो एक इम्प्योरिटी एलिमेंट ऐड किया जाएगा। और इम्प्योरिटी के ऐड करने का फायदा ये होता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होते हैं, जितनी इम्प्योरिटी ज्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। अब डॉपिंग किसकी की जाती है? डॉपिंग में हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, और वो होता है या तो हम डॉपिंग करते हैं थर्ड ग्रुप की या फिर हम डॉपिंग करते हैं फिफ्थ ग्रुप की। अगर तुम थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, थर्ड ग्रुप ट्राइवेलेंट है, अब ट्राइवेलेंट आएगा तो तीन इलेक्ट्रॉन को कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, चौथा नहीं होगा कोई भी, वहां प्रोड्यूस क्या होगा? होल। तो थर्ड ग्रुप के इंप्योरिटी के ऐड होने से हमारे पास एक्सेस होते हैं होल्स, ये मेजोरिटी चार कैरियर्स होते हैं। और फिफ्थ ग्रुप पांच इलेक्ट्रॉन है, चार तो बना लेंगे बॉन्ड, पांचवा इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यहां पर क्या एक्सेस में होंगे? यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? जहां थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी एलिमेंट ऐड करोगे दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जहां पर भी आप फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी ऐड करोगे ऐसे एक्सट्रिंसिक को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, अगर पूछा जाए कि दोनों का नेट चार्ज क्या है तो वो जीरो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्वांटिटी इक्वल होती है, इन दोनों की नेट चार्ज की वैल्यू जीरो होती है। जो थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी एलिमेंट होता है ये प्रोड्यूस करता है होल्स, इसे कहा जाता है ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। और जो आपके पास फिफ्थ ग्रुप है ये प्रोड्यूस करता है होल्स, इसे कहा जाता है ये डोनर इंप्योरिटी। तो जो भी पांचवें ग्रुप के अंदर आए उनके नाम याद रखिएगा, वो डोनर है। और जो भी तीसरे ग्रुप के अंदर आए वो एक्सेप्टर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं एल्युमिनियम, कहां आएगा? थर्ड में या फिफ्थ में? तो ये क्या बचे? एक्सेप्टर। फास्फोरस थर्ड में फिफ्थ में? या के पास क्या है? डोनर है। बोरान कहां आएगा? थर्ड में, ये एक्सेप्टर है। और बिस्मथ, बाकी एग्जाम्पल भी याद रख लीजिएगा कि कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर। अब पी टाइप एन टाइप समझ आ गया कि क्या होता है। अब बनाते हैं पीएन जंक्शन। जब बच्चे हमारे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो और उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के एक हाफ के अंदर हम थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी को ऐड करें और दूसरे हाफ के अंदर फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी को ऐड करें, तो जहां थर्ड ग्रुप को ऐड किया वो बन गया पी टाइप, जहां फिफ्थ ग्रुप को वह बन गया, इन दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन बनेगी, एक जंक्शन बनेगा, एक लेयर बनेगी जो इन दोनों को सेपरेट कर रही होगी। दैट जंक्शन दैट लेयर इज कॉल्ड पी एन जंक्शन। ये पी एन जंक्शन कहलाता है। और फिर इसी पी एन जंक्शन के बारे में कहते हैं कि अगर इसके साथ मेटेलिक टर्मिनल्स अटैच हो जाएं, देन दैट पी एन जंक्शन इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। मैं रिपीट कर रहा हूं कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, आपने उसके एक हाफ के अंदर थर्ड ग्रुप इंप्योरिटी को ऐड किया और एक हाफ के अंदर आपने फिफ्थ ग्रुप इंप्योरिटी को ऐड किया, तो उन दो एक तरफ पी बन गया एक तरफ एन बन गया, तो दोनों के दरमियान एक मेम्ब्रेन बना, एक जंक्शन बना जो दोनों को सेपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। पर जब बच्चे इस पीएन जंक्शन के साथ मेटेलिक टर्मिनल्स को अटैच कर दिया जाए देन दैट पीएन जंक्शन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का सिंबल क्या होता है? एक ट्राइंगल ड्रॉ की जाती है और उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है। अब इस ट्रायंगल और इस लाइन का मतलब क्या है? ट्रायंगल पी रीजन को और लाइन एन रीजन को शो करता है।
और कई बुक्स के अंदर ये कहा जाता है ये लाइन जो है ये बेसिकली डिप्लीशन रीजन होता है. क्या होता है? डिप्लीशन रीजन. और ये एरो जो ट्रायंगल का एरो है ये रिप्रेजेंट किसे करता है? ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करता है. ये जो एरो बन रहा है ये बेसिकली एरो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को रिप्रेजेंट करेगा सर्कल. अब बात करते हैं पीएन जंक्शन के अंदर डिप्लीशन रीजन क्या होता है और पोटेंशियल बैरियर क्या होता है. जब पीएन जंक्शन डेवलप होता है तो फिर एन के इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री होते हैं उनको एक जगह मिल जाती है डिफ्यूज होने की और वो है पी टाइप के होल्स. तो कहते हैं कि जब पीएन जंक्शन बनेगा एन के इलेक्ट्रॉन्स जाकर पी के होल में डिफ्यूज होंगे. अब एन के इलेक्ट्रॉन जब जाकर पी के होल में डिफ्यूज होंगे तो जिस जगह से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां क्या प्रोड्यूस होगा? वहां पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा. बच्चे होल नहीं, वो इलेक्ट्रॉन तो पहले फ्री है. जो इलेक्ट्रॉन पहले ही फ्री है उसके जाने से होल क्रिएट नहीं होता, उसके जाने से पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है. और जिस जगह जाके वो वेकेंट होल को फिल कर देगा वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा? आयन. कौन सा आयन? नेगेटिव. तो जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां बन गया पॉजिटिव आयन. और जहां जाके इलेक्ट्रॉन ने होल को फिल कर दिया वहां क्या बन गया? ये कब तक होता है? जब तक इन दोनों के क्रॉस इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाए कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करना स्टार्ट कर दें. ये प्रोसेस तब तक होगा डिफ्यूजन का. और ये जो रीजन डेवलप हुआ ये एक न्यूट्रल रीजन है जहां कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता एंड दैट इज कॉल्ड डेप्लीशन रीजन. तो डेप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन टाइप इन द होल्स ऑफ टाइप. और डिप्लीशन रीजन का एक और नाम भी होता है, इसे कहा जाता है स्पेस चार्ज रीजन. स्पेस चार्ज रीजन और डिप्लीशन रीजन दोनों एक ही चीजें हैं और दोनों के बारे में याद रखिएगा कि इनके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता. चार्ज कैरियर ना होने का मतलब होता है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल प्रेजेंट नहीं होता. और जो इन दोनों के क्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप हुआ जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को आने नहीं दे रहा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर का. इलेक्ट्रॉन्स के होल्स में डिफ्यूज होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. अब ये पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? हमारी बुक में वो लिखता है कि सिलिकॉन के लिए 0.7 है और जर्मेनियम के लिए, क्या ये फिक्स होता है? ये वैल्यू सिर्फ रूम टेम्परेचर पर है. टेम्परेचर के चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जाती है. मोबाइल नीचे रखे यूज कर. अच्छा, ठीक है. तो पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन की बात हो गई. अब बात करते हैं ये डिपेंड किस पे करेंगे. हमसे अगर पूछा जाता है कि पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन इसकी डिपेंडेंस किस पर होती है, एक डिपेंडेंस तो हमें नजर आ रही है नेचर के ऊपर. सिलिकॉन का वैल्यू कुछ और है, जर्मेनियम की वैल्यू कुछ और है. इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे. टेम्परेचर के बढ़ाने से दोनों कम हो जाते हैं, पोटेंशियल बैरियर भी और डिप्लीशन रीजन भी. एक फैक्टर बताता हूं कितना कम होते हैं. फॉर एवरी 1 degree Celsius राइज इन टेम्परेचर पोटेंशियल बैरियर विल डिक्रीज बाय 2 mV. जब भी 1 degree Celsius आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो पोटेंशियल बैरियर है वो 2 mV कम हो जाता है. तो मींस टेम्परेचर के साथ पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन का ताल्लुक क्या है? इनवर्स. और तीसरी चीज इस पे डिपेंड करता है वो बायसिंग है, जो हमने नेक्स्ट अब पढ़नी है. बायसिंग से भी डिप्लीशन रीजन कम होता है, फॉरवर्ड में कम हो जाता है, रिवर्स में ज्यादा हो जाता है. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन रीजन डिपेंड कर रहा होता है. क्लियर? अब आते हैं बायसिंग की तरफ. व्हाट इज बायसिंग? बायसिंग वो मेथड है जिसके थ्रू हम डायोड को बैटरी के साथ अटैच करते हैं. बायसिंग वो पॉसिबिलिटीज हैं जो डायोड की बैटरी के साथ अटैचमेंट के साथ होती हैं. व्हाट इज बायसिंग? बायसिंग इज मेथड टू कनेक्ट डायोड विद अ बैटरी. और ये कितने बच्चे होते हैं मेथड्स? 2. एक हमारे पास है फॉरवर्ड और एक हमारे पास है रिवर्स.
सबको पता है फॉरवर्ड और रिवर्स क्या है, उसको रिवाइज करेंगे मेनली यहाँ पर कि फॉरवर्ड और रिवर्स का कंपैरिजन क्या है, कहाँ डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रही है, कहाँ कम हो रही है, ये बातें यहाँ पर करेंगे. व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग? इफ पी टाइप ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड एन टाइप ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद, एक स्टेटमेंट तो ये होगा, इसको एक और तरह से भी लिखा जाता है. इफ एनोड ऑफ डायोड, एनोड मीन्स पी टाइप, इफ एनोड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल एंड कैथोड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल, ये है आपकी फॉरवर्ड बायसिंग. दूसरी तरफ मैं क्या कहूंगा, इसी बात को मैं लिखूंगा लेकिन उल्टी तरह से लिखूंगा. मतलब मैं कहूंगा पी टाइप ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद, या मैं ये कहूंगा इफ एनोड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद लो पोटेंशियल एंड कैथोड ऑफ डायोड इज कनेक्टेड विद हाई पोटेंशियल. ये है हमारे पास रिवर्स बायसिंग. अब ये बात अगर समझ आ जाए ना हाई और लो की, तो इस बायसिंग के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैं आपको दो क्वेश्चंस बताता हूं किस तरह के होंगे. ये डायोड है, यहां पर आपने लगा दिया नेगेटिव 5 वोल्ट और यहां लगा दिया आपने नेगेटिव 10 वोल्ट. बताओ ये बायसिंग फॉरवर्ड है रिवर्स है? डायोड का एनोड हाई पर है लो पर है? चलो बताओ नेगेटिव 5 ग्रेटर है नेगेटिव 10 ग्रेटर है? नेगेटिव 5 ग्रेटर होता है बच्चे, हाई पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल नेगेटिव में जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, और पोटेंशियल नेगेटिव में जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा. बताया था तो मींस ये हाई और ये लो, ये बायसिंग क्या है? ये फॉरवर्ड बायसिंग. एक और एग्जांपल डायोड है, ये कनेक्ट है अभी भी नेगेटिव 5 से, इसे हमने कर दिया ग्राउंड. अब बताएं ग्राउंड का मतलब क्या होता है? अब ये जीरो है, जीरो वोल्ट, नेगेटिव 5. अब ये है हाई बच्चे, और ये क्या है? ये है लो. ये बायसिंग क्या बच्चे? एनोड ऑफ डायोड पी टाइप, कैथोड ऑफ डायोड एन टाइप. एनोड अगर हाई पोटेंशियल पे, कैथोड लो पे, फॉरवर्ड. एनोड अगर लो पे, कैथोड हाई पे. अब इसके अलावा क्या पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए? डिप्लीशन रीजन, पोटेंशियल बैरियर, रेजिस्टेंस, करंट, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कर्व, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व. कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है? अ ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, करंट अलोंग y एंड पोटेंशियल अलोंग x इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व. आसान से पॉइंट है, लोगों को पता है डिप्लीशन रीजन कहां वाइड होता है कहां नैरो होता है. आप कहोगे कि फॉरवर्ड बायसिंग के अंदर डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है. क्यों? इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ मूव करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ मूव करेंगे तो जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुका था वहां इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन क्या होगा? नैरो. जबकि रिवर्स बायसिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट मूव करते हैं. अब जब इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा तो जहां इलेक्ट्रॉन था भी वहां से चला जाएगा और वहां प्रोड्यूस कर देगा आयन. इसका मतलब क्या हुआ? रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाता है. पोटेंशियल बैरियर, डिप्लीशन रीजन नैरो हो रहा है पोटेंशियल बैरियर कम होता जाएगा, अगर डिप्लीशन रीजन वाइड हो रहा है पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जाएगा. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मींस करंट क्या बढ़ रहा होगा कम हो रहा होगा. रिवर्स बायसिंग और फॉरवर्ड में रिवर्स बोलोगे, फॉरवर्ड के अंदर कंडक्टिविटी बढ़ती है, डिप्लीशन रीजन कम हो रहा होता है तो रेजिस्टेंस कम हो रही होती है. और उल्टी साइड पे यहां क्या लिखेंगे? कितनी? हमारे बुक में वो लिखता है कि जब बायसिंग फॉरवर्ड होती है तो रेजिस्टेंस ये फ्यू ओम्स होती है, और रिवर्स बायसिंग में ये मेगा ओम्स में होती है. करंट, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो करंट की वैल्यू क्या होगी? वो इंक्रीज कर जाएगी. कितनी इंक्रीज करती है? कहता करंट यहां पर मिली एम्पेयर्स में होता, और यहां पर हम क्या कहेंगे कि करंट की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है, और यहां वो कहता है फ्यू माइक्रो एम्पेयर करंट होता.
क्लियर। लास्ट वन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, दोनों का क्या होगा। इससे रिलेटेड पास पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ डायोड, हम एक ही जगह दोनों को ड्रॉ करेंगे, जो पॉजिटिव हाफ होगा यहां पर फॉरवर्ड बायसिंग की या फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ होगी, और जो नेगेटिव हाफ होगा जहां दोनों नेगेटिव हैं पोटेंशियल भी और करंट भी, यहां पर रिवर्स बायसिंग मींस रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ करेंगे। पहले फॉरवर्ड की बात करते हैं, क्या ग्राफ फॉरवर्ड का स्टार्ट जीरो से होगा? नो। क्यों? जब तक आपका पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं होता आपका करंट प्रोड्यूस नहीं होता। कई दफा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर एक डायोड बना होता है और वो बता देता है कि डायोड किसका है, सिलिकॉन का, साथ अटैच वो कर देता है रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू दे देता है 5 ओम। यहां पर अटैच होती है हमारे पास बैटरी, जो लग रहा होता है कि बायसिंग फॉरवर्ड है, और साहब वो लिख देता है बैटरी कितनी है 0.5 वोल्ट, कहेगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना है, आप कहोगे 0। रीजन, क्योंकि जब तक आपका ये 0.5 वोल्ट इसके पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा नहीं होगा करंट तो पास ही नहीं कर सकता। इसका मतलब इस केस में करंट की वैल्यू क्या है, 0 है। और अगर मैं यहां पर ये कह देता हूं कि मैं बैटरी को 0.5 की जगह या 1.5 लगा देता हूं, अब करंट कितना पास करेगा, फिर आप करंट फाइंड करने के लिए टोटल पहले नेट फाइंड करोगे पोटेंशियल। अब नेट का मतलब क्या होगा, 1.5 में से पोटेंशियल बैरियर सब्ट्रैक्ट होगा, फिर डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस से, तो करंट की वैल्यू फाइंड होगी। तो पोटेंशियल बैरियर एक रिकावट है, जब तक आप उस रिकावट को ओवरकम नहीं करोगे करंट गुजरेगा कैसे, क्लियर। तो जब तक हमारा अप्लाइड वोल्टेज उस पोटेंशियल बैरियर से ग्रेटर नहीं होता करंट प्रोड्यूस, इसलिए ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, पोटेंशियल बैरियर से, और उसके बाद डिप्लीशन रीजन नैरो होता जाएगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ग्राफ कर्व होगा क्योंकि नॉन ओमिक है। और इस ग्राफ की स्लोप हमसे पूछी जाए क्या बताती है, तो करंट वोल्टेज ग्राफ की स्लोप कंडक्टेंस होती है, जो क्या कर रही है विद टाइम इंक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग का ग्राफ स्टार्ट ही जीरो से होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप रिवर्स बायसिंग करते हो तो रिवर्स बायसिंग की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि आपने अब इस कैथोड को अटैच कर दिया किससे, पॉजिटिव से, वो पॉजिटिव क्या करेगा, उस एन के इलेक्ट्रॉन्स को करेगा अट्रैक्ट, और इन इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्ट होने की वजह से इनिशियली जो सर्किट में बिल्कुल माइन्यूट सा करंट प्रोड्यूस होगा, दैट करंट इज कॉल्ड लीकेज करंट। ये जो माइक्रो एम्पेयर में आप करंट लिख रहे हो ना, ये करंट, ये कौन सा करंट है, ये लीकेज करंट है। और लीकेज करंट क्या होता है, द करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन रिवर्स बायसिंग जो फ्यू माइक्रो एम्पेयर होगा, किसकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से, चंद एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव करते हैं, और यही कॉज बनते हैं डिप्लीशन रीजन के वाइड होने का, और जैसे डिप्लीशन वाइड हो जाता है करंट फर्दर प्रोड्यूस नहीं होता। आप क्या करते हो, आप रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हो, एक पॉइंट आता है जहां पर आपका रिवर्स पोटेंशियल बढ़ तो जाता है लेकिन वो इतना ज्यादा होता है कि सर्किट उस पॉइंट पे ब्रेक कर जाता है, मींस डायोड जल जाता है, और हम इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस पॉइंट पे नजर आ रहा है कि जैसे कंडक्टेंस इंफिनिटी हो गई है, ये कंडक्टेंस इंफिनिटी नहीं है, ये सर्किट बंद हो गया, एंड दैट वोल्टेज कॉल्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये है ग्राफ फॉरवर्ड और रिवर्स का, जिसे बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व एंड रिवर्स। अब ये ग्राफ है रियल कि असल में ऐसा होता है, हमसे कई दफा क्वेश्चन में वो आइडियल पूछता है कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होगी, देखते हैं वो किस तरह की होगी। अगर हमने बच्चे रियल कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ नहीं करना, हमने ड्रॉ करना आइडियल, फिर हम सिंपली ये कहेंगे कि फॉरवर्ड में डायोड कंडक्ट होता है और रिवर्स में डायोड कंडक्ट नहीं होता। तो फिर हम जब फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रॉ करेंगे तो फिर तो जैसे नॉर्मली ड्रॉ करते हैं उसी तरह से उसको ड्रॉ कर देंगे, लेकिन रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर हम करंट को शो क्या कर देंगे, जीरो। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट ये करेगा इन फॉरवर्ड बायसिंग डायोड विल कंडक्ट। डायोड विल कंडक्ट का मतलब ये बिहेव करेगा एक क्लोज सर्किट की तरह। रिवर्स बायसिंग जब होगी तो करंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो। हम कहेंगे कि डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, और डायोड अगर कंडक्ट नहीं कर रहा तो ये बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट,
और ये ग्राफ रियल है आइडियल है, ये आइडियल है, ये आइडियल करेक्टरिस्टिक कर्व है और ये हमारे पास रियल करेक्टरिस्टिक कर्व है। कर्व हमेशा आएगा नॉन ओमेगा, क्लियर है यहां तक? तो मैं अगर यहां पर दो सर्किट ड्रॉ करता हूं और मुझे बताएं कि ये सर्किट क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक सर्किट ये ड्रॉ कर रहा हूं, क्या बच्चे डिफरेंस इन दोनों सर्किट्स में, वन और टू में, वन क्लोज और सेकंड, वन रो रिप्रेजेंट करेगा फॉरवर्ड बायस को और सेकंड रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब होगी बायसिंग कंप्लीट, अब हम करेंगे रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में बायसिंग का क्या रोल है, जब हम कहते हैं ना कि डायोड एक हाफ में कंडक्ट करता है दूसरे हाफ में कंडक्ट नहीं करता, इसका मतलब वो एसी के एक साइकिल को कन्वर्ट कर देगा और दूसरे को कन्वर्ट, और जब कहेंगे डायोड दोनों हाफ में कंडक्ट करेगा तो फिर वो पॉजिटिव को भी कन्वर्ट करेगा, और जब एक साइकिल कन्वर्ट होता है दैट इज कॉल्ड हाफ वेव, और जब दोनों कन्वर्ट होते हैं दैट इज कॉल्ड, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का जो मेथड है दैट इज रेक्टिफिकेशन, और जो ये काम करेगा दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। कौन होता है रेक्टिफायर, हम कहते हैं डायोड एक या एक से ज्यादा, दे एक्ट एज अ रेक्टिफायर। डायोड ये काम कर रहा होता है चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, अगर एक होगा तो ये हाफ वेव होगा, अगर एक से ज्यादा होंगे दो या चार तो ये फुल वेव होगा। हम बेसिकली करते ये हैं, ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन एक से ज्यादा है हम उसको यूनी डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, और हम इसे नाम देते हैं कि हमने एसी को कन्वर्ट किसमें किया, डीसी। जैसे हमारे घरों में यूपीएस यानी इन्वर्टर लगा होता है तो हमने उनकी यूपीएस की बैटरीज को चार्ज करना होता है वागडा से, अब बैटरीज डीसी हैं वागडा एसी है तो वो एसी डीसी में कन्वर्ट किसके थ्रू होगा, रेक्टिफिकेशन के थ्रू। हमारे मोबाइल फोन की बैटरीज डीसी हैं, हमारे अडॉप्टर जो होंगे मोबाइल के क्या करेंगे, वो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे फ्री चार्ज होंगे। तो जहां पर भी आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है जो भी आपका पर्पज हो वहां पर रेक्टिफिकेशन हो रही होती है। अब रेक्टिफिकेशन की टाइप्स क्या है इनको वन बाय वन डिस्कस हम करते हैं। हमारे पास एक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर और एक हमारे पास होगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है क्योंकि दोनों हाफ को कन्वर्ट करता है, और हाफ वेव इसकी एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि ये एक हाफ को कन्वर्ट करेगा दूसरे हाफ को कन्वर्ट नहीं करेगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर हम कहेंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल ये दोनों कन्वर्ट होंगे, इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डबल होती है, और हाफ वेव के अंदर आपका एक हाफ तो कन्वर्ट होगा लेकिन दूसरा हाफ कन्वर्ट नहीं होता, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। यानी अगर एसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर एफ है यहाँ फ्रीक्वेंसी टू एफ होगी, और यहाँ अगर एसी की फ्रीक्वेंसी एफ यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। पहले बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होगी, अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी। ये वन हाफ साइकिल कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जब हम कह रहे हैं वन हाफ साइकिल तो वन हाफ साइकिल स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी हो सकता है। डायोड को उल्टा कर दो, अगर पहले पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ तो फिर नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक ऐसी रेक्टिफिकेशन जहां पर एक हाफ साइकिल एसी का कन्वर्ट होगा डीसी में, ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो ये कहा जाता है कि एक सिंगल डायोड एक्ट करता है हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह, सिंगल डायोड एक्ट एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। और जो इसकी एडवांटेज की बात जब की जाती है तो उसका कहते हैं एडवांटेज ये है, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होती है।
हमें डायोड के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं हुआ। तो हाफ ए रेक्टिफायर एक सिंगल डायोड होता है, किस तरह से काम करता है अब हम उसको देखेंगे दो साइकिल्स के अंदर। तो लेट्स से ये हमारा सर्किट है जहां पर ये डायोड ये अटैच है इनपुट एसी के साथ और यहां पर अटैच है एक लोड रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस हम चेक करेंगे कि क्या आउटपुट है या नहीं है, रेक्टिफिकेशन हुई है या नहीं। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास इनपुट पोटेंशियल और यहां पर हमारे पास आउटपुट पोटेंशियल। अब इस चीज को डिस्कस करने के लिए हम एसी के दो हाफ साइकिल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगर ये एसी है इसका एक हाफ साइकिल हमारा होगा फ्रॉम जीरो टू टी बाय टू, इसे बोल दो पॉजिटिव हाफ साइकिल या फर्स्ट हाफ साइकिल, और एक होगा जीरो से टी बाय टू, टी बाय टू से टी। पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की, उसमें क्या होगा या पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब फर्स्ट हाफ साइकिल जो जीरो से टी बाय टू है, यहां पर हम कहते हैं कि हमारे पास डायोड अटैच है एसी के साथ, तो एसी का अपर एंड हाई पोटेंशियल है और यहां पर लोअर एंड लो पोटेंशियल। ये अब हमने अज्यूम करना है, आप अगर नहीं करना चाहते ऑपोजिट कर लो, आप ये भी कह सकते हो कि अपर लो है लोअर हाई है, आंसर चेंज हो जाएगा। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये मेरा हाई पोटेंशियल है और ये क्या है लो। अगर ये हाई और ये लो है तो क्या हाई पोटेंशियल अटैच एनोड से है और क्या लो पोटेंशियल अटैच कैथोड से है। तो अगर बच्चे ऐसा है तो ये डायोड की बायसिंग क्या है, तो मीन्स फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर जो डायोड होता है वो फॉरवर्ड बाइस होता है। अब अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बाइस होगा तो डायोड कंडक्ट करेगा, और डायोड अगर कंडक्ट करेगा तो आपको इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट भी मिलेगा और उसी बिहेवियर के साथ मिलेगा जिस बिहेवियर के साथ एसी चेंज हो रहा होगा। यानी अगर इनपुट एसी हमारा जीरो है हमारे पास आउटपुट भी जीरो आएगा, अगर इनपुट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी तो आउटपुट की वैल्यू भी, और जब इनपुट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो आउटपुट की वैल्यू भी। तो आपका फर्स्ट हाफ साइकिल एसी का कन्वर्ट हो गया, मीन्स हमें आउटपुट मिला, हम कहेंगे कि डायोड कंडक्ट करेगा, और डायोड कंडक्ट करेगा मीन्स हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट मिलेगा, करंट पास करेगा। अब आ जाए सेकेंड हाफ साइकिल की तरफ। अब सेकेंड हाफ साइकिल को आप देखो तो सेकेंड हाफ साइकिल के अंदर अब आपका पोटेंशियल रिवर्स हो जाएगा। तो सेकेंड हाफ साइकिल इज फ्रॉम टी बाय टू टू टी। अब वहां देखें क्या हुआ, सिंपली पोलैरिटी रिवर्स हो गई। तो अगर आपने पहले रिवर्स किया था, पहले अगर आपकी बायसिंग रिवर्स थी तो अब आपकी बायसिंग क्या हो जाएगी फॉरवर्ड। तो पहले अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट नहीं हुआ था तो क्या अब नेगेटिव हाफ साइकिल कन्वर्ट होगा, तो मीन्स ये स्पेसिफिक नहीं है। अब मैं कह देता हूं कि ये मेरा लो पोटेंशियल है और ये मेरा हाई पोटेंशियल है। अब लो पोटेंशियल अटैच है डायोड के एनोड से, हाई पोटेंशियल अटैच है डायोड के कैथोड से, और ये बायसिंग क्या कहलाएगी रिवर्स बायसिंग। इसका मतलब इनपुट अब जो मर्जी दे दो हमें आउटपुट के अक्रॉस कुछ नहीं मिलना, वहां करंट क्या है जीरो, मीन्स डायोड विल नॉट कंडक्ट। तो क्या एसी के दो हाफ में से एक हाफ कंडक्ट हुआ, अब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कहलाएगा क्या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, और जो डायोड ये काम करेगा उसे बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो मैं यहां पर इस चीज को कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे पास ये था इनपुट, मैंने इसको किया हाफ वेव रेक्टिफायर में अप्लाई, तो मुझे ये मिल गया आउटपुट जीरो से टी बाय टू। हमें अगर आउटपुट मिल रही है तो टी बाय टू से टी हमें आउटपुट नहीं मिलते। अगर मैं कहता हूं कि इनपुट की फ्रीक्वेंसी एफ है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप इस रिपल को देखो, ये रिपल है। देखो एसी में तो क्रस्ट और ट्रफ मिलकर एक वेव शो करता है, डीसी में तो क्रस्ट और ट्रफ नहीं होता, डीसी में रिपल्स होंगे अगर वो पल्सेटिंग होगा, तो एक रिपल एक वेव होती है। तो क्या बच्चे यहां नंबर ऑफ रिपल वन है, कितनी वेव है वन, अगर यहां नंबर ऑफ वेव्स वन तो यहां भी नंबर ऑफ वेव्स, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सेम। तो हाफ वेव में आप लोगों का पहला पॉइंट जो याद रखने वाला वो ये है कि हमारे पास इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी। दूसरा पॉइंट, एक टर्म यूज होती है रेक्टिफिकेशन में जिसे बोलते हैं रिपल फैक्टर, गैमा से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। क्या होता है रिपल फैक्टर, कंसेंट्रेशन ऑफ एसी, जो कंसेंट्रेशन ऑफ एसी है इन रेक्टिफाइड डीसी, कि आपने रेक्टिफिकेशन कर ली उसमें क्या अभी भी एसी की कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है या नहीं है,
इसे बोलते हैं रिपल फैक्टर। हम जब इस हाफ वेव रेक्टिफायर को फिल्टर करते हैं, फिल्टर का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब क्या होता है कि हमने बेसिकली जो ये पल्सेटिंग डीसी है इसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करना। व्हाट इज फिल्टर सर्किट? अ सर्किट विच इज यूज टू कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू स्मूथ डीसी। पल्सेटिंग क्या था कि एक हाफ कन्वर्ट हुआ फिर आइडल पीरियड आ गया, फिर एक कन्वर्ट हुआ फिर एक आइडल पीरियड आ गया, ये पल्सेटिंग डीसी है। आप इस पल्सेटिंग डीसी को चाहते हो कि ये स्मूथ हो जाए जितनी भी हो सके, तो जब ये काम करना होता है तो आपको यूज करना पड़ता है फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट कुछ मुश्किल चीज नहीं होती। आ कैपेसिटर अटैच्ड इन पैरेलल विद अ लोड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फिल्टर सर्किट। कि अगर इस लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर अटैच हो जाए तो ये फिल्टर सर्किट की तरह बिहेव करता है। किस तरह से करेगा? जब डायोड कंडक्ट हो रहा होगा तो रेजिस्टर में करंट तो पास करेगा, उसके साथ साथ कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा। अब जब डायोड कंडक्ट नहीं करता तो कैपेसिटर क्या करेगा? एज अ बैटरी बिहेव करेगा। तो क्या जब लोड के अक्रॉस करंट नहीं मिल रहा था, अब वो कैपेसिटर करंट देगा? अब जब कैपेसिटर करंट देगा तो हमारे ग्राफ के अंदर जहां पहले कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, अब कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना स्टार्ट होगी। तो ये फिल्टर सर्किट का काम है कि वो करेगा ये कि वो इस पल्सेटिंग डीसी को जिस हद तक हो सकेगा स्मूथ करने की कोशिश करेगा। तो ये कहलाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्या ये 100% कर पाएगा? नो, कुछ ना कुछ एसी वापस रह जाएगा। तो कहते हैं जितना कंसंट्रेशन एसी का इस रेक्टिफाइड डीसी में होता है उसे बोलते हैं रिपल फैक्टर। और हाफ वेव का रिपल फैक्टर फुल वेव से ज्यादा होता है। कितना होता है इसका? 1.21। और ये नुकसान है, फायदा नहीं है। रिपल फैक्टर जितना ज्यादा होगा इसका मतलब पूरी तरह रेक्टिफिकेशन नहीं हुई, और रिपल फैक्टर जितना कम होगा इसका मतलब रेक्टिफिकेशन उतनी बेहतर है। और तीसरी चीज एफिशिएंसी, वो तो नजर आ रहा है कम है कि एक हाफ को कन्वर्ट कर लेते हो और दूसरे हाफ को कन्वर्ट नहीं करते, तो इसकी एफिशिएंसी हाफ वेव से 50% होती है, अप्रोक्सीमेटली 40.8%। और ये भी बचे हाफ वेव फुल वेव से क्या है? कम। कितनी कम है? 50%। ये डबल है और ये क्या है? हाफ है। और ये दोनों इसके डिसएडवांटेजेस हैं, रिपल फैक्टर का ज्यादा होना और एफिशिएंसी का कम होना। हाफ वेव में कोई इशू है तो बताएं। कंसंट्रेशन ऑफ एसी इन द रेक्टिफाइड डीसी, कि जो आपने रेक्टिफाइड डीसी प्रोड्यूस किया उसमें क्या अभी भी एसी की कंसंट्रेशन उसकी झलक नजर आ रही है? एसी की झलक का मतलब क्या है? क्या अभी भी हमारे पास कुछ पल्सेस नजर आ रहे हैं? अगर अभी भी पल्सेस नजर आ रहे हैं मीन्स वो पूरी तरह डीसी में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो किस हद तक कन्वर्ट नहीं हुआ? ये उसका रिपल फैक्टर है। जितना रिपल फैक्टर ज्यादा होगा मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एसी ज्यादा है, और जितना रिपल फैक्टर कम होगा कंसंट्रेशन ऑफ एसी कम। फ्रीक्वेंसी बच्चे हाफ वेव में सेम रहती है। देखो एसी के अंदर तो एक वेव तब बनती है जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ का पूरा हाफ होता है। डीसी में तो क्रस्ट और ट्रफ नहीं होते। डीसी में तो या तो आपके पास पॉजिटिव रिपल्स होंगे या फिर आपके पास नेगेटिव रिपल्स होंगे। ये पॉजिटिव रिपल्स या फिर आपके पास नेगेटिव रिपल्स। तो ये जो रिपल होता है ये डीसी की एक तरह की एक वेव होती है। ये क्या होती है? एक वेव। तो अगर मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ रिपल्स 3 है मीन्स हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 3 टाइम होगी। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर नंबर ऑफ रिपल्स कितने हैं? 1। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। अगर पहले 1 वेव अभी भी कितनी? 1 वेव। तो फ्रीक्वेंसी क्या रह रही है? सेम। और अगर हम फुल वेव को देखेंगे तो वहां नंबर ऑफ रिपल्स कितने होंगे? 2। हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल हो गई। अब आते हैं बच्चे फुल वेव की तरह, कि फुल वेव में क्या होगा। फुल वेव के अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो हम दो डायोड को यूज कर लें या फिर हम एक सिंगल डायोड को यूज कर लें, सॉरी 4 डायोड को यूज कर लें। हमारी बुक के अंदर एक केस डिस्कस होता है 4 डायोड्स का, 2 डायोड का डिस्कस नहीं होता। ब्रीफली उसकी बात करेंगे यहां पर कि उसमें क्या होगा। तो व्हाट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन? अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन इन विच बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी आर कन्वर्टेड इनटू डीसी।
तभी हम कहते हैं इसकी एफिशिएंसी डबल है। अब फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर अगर हम देखें इसकी कंस्ट्रक्शन को, तो हम कहते हैं कि दो डायोड्स भी हो सकते हैं और चार डायोड्स भी हो सकते हैं, और ये दोनों बिहेव कर सकते हैं एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब पहले दो की बात करते हैं। अगर दो डायोड्स होंगे तो ऐसे रेक्टिफायर सर्किट को कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर की टाइप है, उस ट्रांसफार्मर के साथ डायोड्स को अटैच किया जाता है। यूं अगर मेरे पास ये एक ट्रांसफार्मर है, तो इस ट्रांसफार्मर के आउटपुट के अंदर मैं दो डायोड्स अटैच करूंगा, एक यहां अटैच कर दूंगा, एक यहां अटैच कर दूंगा, और फिर यहां से सेंटर से एक टर्मिनल लिया जाता है और यहां अटैच होती है लोड रेजिस्टेंस। इस सेंटर टेप के अंदर एक टाइम पर एक डायोड कंडक्ट होता है। पहले अगर D1 कंडक्ट होगा तो D2 कंडक्ट नहीं होगा, और फिर जब D2 कंडक्ट होगा तो D1, तो दोनों हाफ कंडक्ट हुए, आउटपुट के अक्रॉस करंट मिलेगा, तो पॉजिटिव हाफ भी कन्वर्ट होगा और नेगेटिव हाफ भी कन्वर्ट होगा। तो कहीं पर अगर लिखा हो कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, इसका मतलब ये फुल वेव रेक्टिफायर की एग्जांपल है। हमारे सिलेबस में ये नहीं है। चार डायोड्स वाली एग्जांपल हमारी बुक में है, और इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट होता है, उसी तरह से इस ब्रिज रेक्टिफायर का भी सर्किट होता है। चार डायोड्स होते हैं, अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन को देखूं तो ओरिएंटेशन स्पेसिफिक होगी। हम इन चारों डायोड्स को अपनी मर्जी से नहीं लगाएंगे, किसी को उल्टा लगा दें, किसी को सीधा लगा दें। जिस ऑर्डर में अपर टू डायोड्स को अटैच करेंगे, उसी ऑर्डर में लोअर टू डायोड्स को भी अटैच करेंगे। अब जरा ऑर्डर देखिएगा, अगर अपर टू डायोड्स अटैच होते हैं एक ऑर्डर में PNPN लेफ्ट टू राइट, तो नीचे वाले भी उसी ऑर्डर में अटैच होंगे PNPN। और अगर हम किसी डायोड की ओरिएंटेशन को उल्टा कर देंगे तो वो फुल वेव से हाफ वेव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो डायोड की एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होगी, हमारी मर्जी की नहीं कि किसी को भी उल्टा लगा दें, किसी को सीधा लगा दें। जिस ऑर्डर के अंदर अपर टू डायोड्स अटैच होंगे, उसी ऑर्डर के अंदर लोअर टू डायोड्स भी अटैच होंगे। इसको मैं नाम दे देता हूं डायोड D1 का, इसको D2 का, इसको D3 का, और इसको D4। अब ये भी रिटर्न लगा लेना कि बुक में D1 लेफ्ट वाला था, D2 राइट वाला था। तो पहले हाफ में दो कंडक्ट ये वाले हुए और ये कंडक्ट नहीं होंगे। ये डिपेंड करेगा हमारे सर्किट के ऊपर कि कौन सा डायोड कंडक्ट होता है और कौन सा डायोड कंडक्ट नहीं होता। बाकी सारी चीजें वही है, एसी इनपुट है और ये क्या है, लोड रेजिस्टेंस। अब यहां पर भी इसको डिस्कस करने के लिए हम एसी के दो हाफ लेंगे और दोनों हाफ में रिजल्ट देखेंगे कि क्या होता है। ये एक एसी वेव फॉर्म को कंसीडर कर लेते हैं, फ्रॉम 0 टू टी बाय 2 फर्स्ट हाफ, फ्रॉम टी बाय 2 टू टी सेकेंड हाफ। पहले बात करते हैं फर्स्ट हाफ के, फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा, दैट इज फ्रॉम 0 टू टी बाय 2। अब फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर हमें अज्यूम करना पड़ेगा हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को। हम इस पॉइंट को ले लेते हैं हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट को ले लेते हैं लो पोटेंशियल। अब जिससे ये डायरेक्टली अटैच होगा, कोई रेजिस्टेंस यहां लगी हुई है? नो। ये बचे होगा हाई और ये भी क्या होगा, लो। अब करंट की डायरेक्शन देखिएगा कि क्या होती है। करंट यहां से कंडक्ट किस में करेगा, D1 में या D2 में? क्योंकि D2 फॉरवर्ड होगा, D1 करंट D2 आ गया। क्या DC में कंडक्ट करेगा? नो, रिवर्स बायसिंग, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड। इसको याद रखना है, यहां से हमारे पास लूप कंप्लीट हुआ, हम यहां पहुंचे। अब क्या करंट दोबारा हाई से हाई मूव कर सकता है? जो चाहे देखने में वो फॉरवर्ड है, लेकिन करंट वहां मूव, यहां से करंट मूव करेगा लो पोटेंशियल की तरफ और ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर कितने डायोड्स कंडक्ट हुए, दो। कौन कौन से? हम कहेंगे इन फर्स्ट हाफ साइकिल D2 और D4 बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, हमेशा ऐसा ही होगा। ये दोनों कंडक्ट होंगे फॉरवर्ड बायसिंग, और जो D1 और D3 जो बाकी दो है बिल्कुल ऑपोजिट लगेंगे एक दूसरे के, ये दोनों क्या होंगे, रिवर्स बायसिंग। और जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस करंट पास करेगा और करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। जिस बिहेवियर के अंदर इनपुट चेंज हो रहा होगा, उसी बिहेवियर में हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट भी मिल रहा होगा। ये तो हो गया फर्स्ट हाफ साइकिल। अब देखते हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा।
अब नेगेटिव हाफ साइकिल हमारे पास जो है दैट इज फ्रॉम टी बाय टू टू टी, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारे पास पोटेंशियल रिवर्स हो गया, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पहले ये नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। अब करंट की डायरेक्शन को देखिए, ये डायरेक्टली अटैच इससे है, ये भी हाई पोटेंशियल, ये डायरेक्टली अटैच इससे है, ये लो पोटेंशियल। करंट का पार्ट, करंट यहां से आया, क्या डी थ्री कंडक्ट करेगा? Yes, क्या डी टू कंडक्ट करेगा? Awesome. अब देखें लोड रेजिस्टेंस में, पहले भी करंट की डायरेक्शन क्या थी, अब भी क्या है? क्या जिस बिहेवियर में पहले आउटपुट मिल रहा था उसी बिहेवियर में आउटपुट यहां मिलेगा? Yes. अब यहां से लूप कंप्लीट होगा, यहां पहुंचेंगे इस डी वन पे, करंट दोबारा हाई से हाई तो नहीं आ सकेगा, डी वन कंडक्ट होगा और ये सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि डी टू और डी फोर जिनकी बायसिंग पहले फॉरवर्ड थी अब उनकी बायसिंग, और डी वन और डी थ्री जिनकी बायसिंग पहले रिवर्स थी अब बायसिंग फॉरवर्ड, लेकिन रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट जो पहले डाउनवर्ड था अब भी क्या है? तो ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे वो डीसी होता है। तो चाहे यहां पर इनपुट नेगेटिव था लेकिन आउटपुट यहां क्या मिल रहा है? तो क्या दोनों हाफ कन्वर्ट हुए? दैट इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो अगर मैं यहां पर इसको कंक्लूड करता हूं कि फाइनल वेव फॉर्म मेरी क्या बनेगी, तो फाइनल वेव फॉर्म मेरे पास ये बनती है कि अगर ये मेरे पास इनपुट वेव है जीरो टू टी बाय टू एंड टी बाय टू टू टी, तो आउटपुट के अंदर जीरो से टी बाय टू भी आउटपुट होगा और टी बाय टू से टी भी आउटपुट होगा। तो नंबर ऑफ रिपल्स कितने हैं? टू। तो अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी चाहे एफ थी, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी उससे क्या है? डबल। नंबर ऑफ रिपल्स डबल हो जाएंगे। एक हमें डिफरेंस पता चल गया कि ये है कि हाफ वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, फुल वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। दूसरा मुझे डिफरेंस ये होता है कि जब आप इसको भी फिल्टर सर्किट में से गुजारते हो तो यहां पर फिल्टर थोड़ा बेहतर होता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह कि यहां पर जो हाफ आइडल था वो बहुत थोड़ा है, वहां तो आइडल पूरा का पूरा एक हाफ था ना, यहां पर आइडल पीरियड ये है सिर्फ। अब आपने बस इस हिस्से को किसी तरह से स्मूथ करना है, तो जब ये हिस्सा बचे स्मूथ होगा तो कदरे हाफ वेव से बेहतर होगा। मतलब यहां पर कंसेंट्रेशन ऑफ एसी हाफ वेव से क्या होगी? कम होगी। तो पल्सेटिंग वेव फॉर्म जब स्मूथ वेव फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो हम कहेंगे यहां पर जो रिपल फैक्टर है क्या वो कम है ज्यादा? हम कहेंगे रिपल फैक्टर कम है। तो इसका जो रिपल फैक्टर होता है वो कितना होता है? दैट इज हाफ। अगर 1.21 था ये अप्रोक्सीमेटली 0.48 होता है। इसको मैं यूं लिखूंगा कि रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफाई इज हाफ ऑफ द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाई। और थर्ड पॉइंट एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी उससे ज्यादा है। कितनी? डबल। उसकी कितनी थी? 40.8, इसकी होती है 81%। तो फुल वेव की जो एफिशिएंसी है दैट इज एग्जैक्टली डबल, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये दोनों हाफ को कन्वर्ट करता है, इसकी एफिशिएंसी उसके मुकाबले में डबल। क्लियर? तो ये बच्चे आपके पास फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो है। अब इनके क्वेश्चंस क्या होते हैं? एक तो ये होता है कि सर्किट बना होता है और आपने ये बताना होता है कि क्या हमारे पास डायोड D1 और D2 कंडक्ट हो रहे हैं या दूसरे डायोड कंडक्ट हो रहे हैं, या फिर वो करता ये है कि वो सर्किट में किसी एक डायोड को एक्चुअल स्टेट से रिवर्स लगा देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहां सर्किट ड्रॉ करता हूं, मैं अपर टू डायोड्स को दूसरी तरह लगाता हूं जैसे मैंने पहले लगाया हुआ था, नीचे वाले में इसको भी वैसे ही लगाता हूं, इसको मैं उल्टा लगा देता। अब आपसे अगर पूछा जाए कि क्या ये चार डायोड्स दोनों हाफ में कंडक्ट करेंगे, चेक करें जरा, चेक करें कि अगर मेरे पास ये इनपुट है जीरो टू टी, तो अब आउटपुट क्या मिलेगा ये फाइंड करें। जी पहले अगर मैं कहता हूं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट यहां से पास हुआ ये बन गया पॉजिटिव, क्या ये कंडक्ट होगा?
क्या ये कंडक्ट होगा? क्यों सर? आगे आगे क्या क्या करंट यहां से गुजरेगा? यहां पर आया, यहां गुजरा, ये वाला यहां से आगे चला जाएगा और ये यहां से जाके दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों कंबाइन होकर यहां पर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है? करंट पास हो रहा है और करंट अगर पास हो रहा है तो इनपुट के मुताबिक यहां आउटपुट मिल रहा है। लेकिन जब सेकंड हाफ की बात करूंगा कि मेरे पास ये अब हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, अब देखते हैं क्या होगा। करंट यहां पर आया इस जगह, यहीं पर आके रुक गया, ये भी बाइसिंग रिवर्स और ये भी बाइसिंग, डायोड कंडक्ट करेगा? नो। क्या ये बिहेव करेगा एज अ हाफ वेव? ये क्वेश्चन होगा। तो तसल्ली से करंट को ड्रॉ करना है, देखना कि करंट के पास ऑप्शंस हैं या नहीं। तो पहले हाफ में करंट के पास ऑप्शंस थी, उसे पास कर लिया, दूसरे में ऑप्शन नहीं है, तो एक हाफ कन्वर्ट हो गया, दूसरा हाफ कन्वर्ट। अगर पूछा जाए कौन सा डायोड कंडक्ट नहीं करता, ये वाला, ना पहले हाफ में कन्वर्ट करता है ना दूसरे में करता है। ठीक, अब एक काम और करते हैं, नीचे वाले दोनों को उल्टा कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। दो मिनट, अब बताइएगा करंट यहां से आया, यहां से पास हुआ, यहां पहुंचा, यहां नहीं करेगा, यहां पर आया, यहां से यहां पहुंचा, यहीं पर आगे रुक गया, कहां जाए? आई से आई तो जा नहीं सकता, ये रिवर्स है, रुक गया। तो पहले इनपुट दे रहे थे, पहले हाफ में आउटपुट नहीं मिला, आगे चलते हैं नेक्स्ट हाफ की तरफ। अब ये पॉजिटिव है, करंट यहां से आया, यहां पहुंचा, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो फर्स्ट में दोनों तरफ चला भी गया, यहां भी चला गया, यहां भी चला गया। अब यहां से वापस नीचे आया, ऊपर तो नहीं जा सकता, यहां पर आया, दोबारा ये दोनों यहां मिले, यहां से यहां गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या हो रहा है? पहला हाफ कंडक्ट नहीं हो रहा, दूसरा हाफ कंडक्ट हो रहा है, ये बचे क्या है? ठीक, फौरन आंसर नहीं देना कि दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे, चेक करना है क्या कंडक्ट होंगे या नहीं। पहले केस में ये वाला आइडल रहता है, इस केस में ये वाला आइडल रहता है। वो इस केस में ऑपोजिट ही है, मैंने खुद ड्रॉ कर दिया है, इस केस में ऑपोजिट ही है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि इस केस में ये वाला ऐसा कंडक्ट नहीं हुआ, ये वाला ऐसा कंडक्ट हुआ तो ये मिलेगा हमें, जीरो से टी बाय टू मिलेगा आइडल और टी बाय टू से मिलेगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव डीसी होता है। पल्सेटिंग दोनों होती है, पल्सेटिंग डीसी हाफ वेव भी है, पल्सेटिंग डीसी फुल वेव भी, स्टेट तो हो नहीं सकता, दोनों में से किसी की एफिशिएंसी 100% नहीं है, किसी का भी रिपल फैक्टर जीरो। बच्चे यहां पर एक पॉइंट सुन लीजिएगा, बच्चे खामोश हो जाए, रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या जीरो हो सकती है? नो, ये आइडियल है, ये आइडियल वैल्यू है इसकी, रिपल फैक्टर हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा। इसका मतलब क्या है? कभी भी 100% एसी डीसी में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ कंसेंट्रेशन एसी की उसमें रहेगी। रिपल फैक्टर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, अगर कहीं लिखा हो जीरो तो ये आइडियल है, रियल केस नहीं है।